बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया जद्दा से लाइव हूँ। इस वक्त मैं अजीजिया में बैठा हुआ हूँ, तो यहीं से आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी, एक पाकिस्तानी भाई मुझे मिला है यहाँ पर। तो मुझे अभी पाकिस्तान से आया जी, तो वो मुझको बता रखा था मैंने टिकट कितने की ली है, क्या हिसाब है। तो एजेंटों की लूट मार भाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में टिकटों को लेकर। अच्छा, आप भाइयों को इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि जिन बंदों ने तो सऊदी अरेबिया आना है, जिनको दोनों डोज यहाँ से लगी हुई थी, उनको ऑर्डर मिल चुका है, तो वो तो भाई अभी टिकट ले रखे हैं, तो उनको भी टिकट कहाँ से लेनी चाहिए। और जिन बंदों को यहाँ से डोज नहीं लगी हुई थी, यानी कि सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते हैं, क्या आप भाइयों को अभी भाई टिकट ले लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए, वो भी आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरे इस भाई ने, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था, सॉरी यार, तो उसने मुझको बोला है कि मैंने 93 यानी कि 93,000 रुपए की टिकट ली है भाई सऊदी अरेबिया की, लाहौर से जद्दा के लिए। तो अभी 2 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पर पहुँचे हुए, तो लाहौर से जद्दा के लिए 93,000 रुपए की टिकट। मैं ये सुनकर हैरान हो गया, और मैं पिछली वीडियोस में आपको ये बताता अभी आ रखा हूँ कि टिकटों के मामले को लेकर भाई थोड़ा संजीदा रहिएगा, थोड़ी सब्र का मुजाहरा कीजिएगा, एजेंटों ने लूटना है आप भाइयों को। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं जिन बंदों को अभी भाई ऑर्डर, यानी कि जिनको अभी तक सऊदी अरेबिया ने नहीं बोला कि आप अभी तक नहीं आ सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में 2 डोज ही क्यों नहीं कंप्लीट कर चुके हैं, अस्ट्रा जाने का, फैजर वगैरह या चाइना वगैरह की, तो साथ में प्लस बूस्टर वगैरह की, तो भाई आप अभी से टिकट ले या नहीं ले, तो भाई आप अभी से टिकट मत लीजिएगा। क्यों भाई आप टिकट क्यों लेंगे, आपको सऊदी अरेबिया ने बोल दिया है आ जाओ, नहीं तो भाई अभी क्या ज़रूरत क्या है आपको टिकट लेने की। आप अपने पैसे किसी ना किसी एजेंट के पास भाई 50-60 हज़ार में अगर आपको मिलेगी, मैं आपको टिकटों का रेट भी अभी बताता हूँ, तो वो आपके फंस जाएंगे, बाद में आपको वो टिकटें, फ्लाइट्स ओपन अभी हो रही हैं, कल हो रही हैं, अगले हफ्ते हो रही हैं, ऐसे करेगा आपके 10-20 हज़ार रियाल उसमें से काटेगा। तो भाई टिकट के मामले को लेकर किसी अच्छे एजेंट के पास जाइए, या खुद से ऑनलाइन सऊदी वेबसाइट पर चले जाएँ, पीएई वेबसाइट के पास, सॉरी चले जाएँ, या भाई जो ब्लू एयरलाइन है उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, या आपका कोई भी ऐसा दोस्त, आपका भाई, आपकी कंपनी, आपका कफील सऊदी अरेबिया में मुकीम है, तो उससे रब्ता करें, उसको बोले यहाँ से टिकट करवा दे मुझे, यहाँ से वो लूटमार नहीं होती है जी जो पाकिस्तान से हो रखी है। यानी कि 50-60 हज़ार की टिकट भाई इस वक्त पाकिस्तान में 80-90 हज़ार की बेची जा रही है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा भाई गौर करें, थोड़ा सब्र करें। और अगर आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल कि अभी सऊदी अरेबिया ने बोल दिया हाँ अभी आ जाओ आप, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है, ऐसा तो है नहीं है। आप भाई बंदों की, आपकी तो फ्लाइट्स अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो आपको किस चीज़ की जल्दी है, थोड़ा सब्र करें। सऊदी अरेबिया जैसे ही फ्लाइट्स के मुतल ऐलान करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स तमाम तर बंदों के लिए बहाल होंगी, तो फिर आप सऊदी अरेबिया का सफ़र कीजिएगा, फिर टिकट खरीदिएगा। भाई पहले खरीदने से मुराद यही है कि आपने अपने पैसे बॉन्ड करने हैं, यानी कि आपने आपको खुद से नुकसान पहुँचाना है।